गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नॉर्दर्न रेलवे के पिंक बुक के एनालिसिस को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने WR, WCR, NWR, CR की पिंक बुक ऑलरेडी एनालिसिस कर ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पहली जो रेल लाइन है वो आप देख सकते हैं, जो है नांगल डैम तलवाड़ा नई लाइन और मुकेरिया तलवाड़ा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि नीचे नांगल डैम से धौलपुर चौक तक रेल लाइन बन चुकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है अंब अंदूरा तक और आगे चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये साथ साथ ये रेल लाइन इलेक्ट्रिक भी होती जाएगी और तलवाड़ा तक इसको बनेगी और तलवाड़ा से मुकेरियन तक भी बनेगी। इसका बजट था 1036 करोड़ रुपए और स्टेट फंड 100 करोड़, और 615 करोड़ इसमें खर्च हो चुका है। पिछले बजट में सिर्फ 7 करोड़ मिला था और इस बार 30 करोड़ मिला है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तलवाड़ा तक ये रेल लाइन चालू हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रेवाड़ी से रोहतक की एक रेल लाइन थी झज्जर होकर, ये इसका 356 करोड़ का बजट था। काफ़ी पुरानी रेल लाइन थी, तकरीबन 35 साल बाद ये रेल लाइन चालू हुई थी और 318 करोड़ खर्च हो चुका था। पिछले बजट में मात्र 3 करोड़ दिया था, इस बजट में इसको 40 करोड़ मिला है। तो अगली देखते हैं हम जींद से सोनीपत तक। आप देख सकते हैं एक नई रेल लाइन है, इसका अभी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है और पैसेंजर ट्रैफिक भी इस पर चालू हो चुका है। 346 करोड़ की रेल लाइन थी, 294 करोड़ अब तक खर्च हो चुका था। पिछले बजट में 5 करोड़ मिला था, इस बजट में 1 करोड़ रुपए मिला है और स्टेट फंड से 10 करोड़ रुपए मिला है। तो लाइन रेडी है, तो ऐसी लाइन्स के लिए कम ही मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पिंक बुक में ये नहीं रहे शायद। अब आप देख सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से तुगलकाबाद होते हुए दादरी वाया अहमदाबाद एंड पालनपुर जो डेडिकेट मल्टी मॉडल फ्राइट कॉरिडोर है, तो ये उसके लैंड एक्विजिशन के लिए तकरीबन 4383 करोड़ का टारगेट रखा गया था और 2018 तक 6666 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन हो चुका था। तो इसलिए इस बजट में लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ नहीं है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है। बाकी जो दाकुनी लुधियाना डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर है उसके लिए भी जो लैंड एक्विजिशन होना था 3684 करोड़ का, उसके लिए भी 5000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं लैंड एक्विजिशन के लिए। फिर एक लाइन हम देख सकते हैं, न्यू लाइन्स है चंडीगढ़ बद्दी को लेकर, इसका 154 करोड़ रुपए का बजट था, स्टेट की तरफ से 80 करोड़ था, उसमें 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, 122 करोड़ स्टेट ने दिए थे और इस बजट में 4 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये लाइन भी हम देख सकते हैं इसका ग्राउंड वर्क चल रहा होगा या लैंड एक्विजिशन हो चुका होगा। अगली ये है देवबंद रुड़की तक। तो इस लाइन का अगर किसी के पास अपडेट हो तो मुझे बताना, क्योंकि जब भी हम सैटेलाइट इमेज में जाके देखते हैं तो हमको कहीं भी ग्राउंड वर्क नहीं दिखता, पर आप देख सकते हैं इसमें 76 करोड़ 2018 तक था, फिर उसके बाद 50 करोड़ दिया गया, फिर 75 करोड़ इस लाइन के लिए दिया गया है। तो होपफुली हम देख सकें कि कुछ ग्राउंड वर्क इस पर हो सैटेलाइट इमेजरी अपडेट होने के बाद। अगली है भानुपल्ली बिलासपुर बेरी। तो ये आनंदपुर साहिब से जाएगी, ये लाइन आप देख सकते हैं, चूँकि हिल एरिया है और मोदी सरकार आने के बाद जो हिल एरियाज की ट्रेन थी या जो हमारे छूटे हुए सेक्शन थे उसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, इसमें अब तक 155 करोड़ खर्च हो चुके हैं और तकरीबन 100 करोड़ इस बजट में अलोकेट हुआ है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पर अच्छा अमाउंट होता है 100 करोड़, काफ़ी कुछ ग्राउंड वर्क इसमें हो सकता है।
इसी तरह ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का घोषणा हुई थी, जिसमें 3,795 करोड़ का बजट था, 366 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, 164 करोड़ रुपए इस बजट में अलोकेट किए हैं रेलवे ने, और स्टेट फंड से 500 करोड़ रुपए। तो उम्मीद करते हैं कि इस लाइन पर भी काफ़ी काम हो। फिर ये कंदिया ब्यास रेल लाइन है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी अलोकेट नहीं हुआ है, तो मतलब इसका अभी प्लान पेंडिंग ही समझो। ऊंचाहार अमेठी आप जानते हैं, ये इसके लिए 380 करोड़ रुपए अलोकेट मतलब टोटल एस्टिमेट था, जिसमें 39 करोड़ का सॉरी नॉट 39 करोड़, 4 करोड़ खर्च हुए थे, 10 करोड़ इस बार दिए गए, पिछले साल दिए गए थे, 5 करोड़ इस बार दिए गए हैं, और स्टेट फंड 60 करोड़ का था, जिसके तहत 90 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं। फिर ये आप देख सकते हैं रोहतक से हंसी तक एक रेल लाइन है, अभी भिवानी होकर जाना पड़ता है रोहतक से हंसी तक, तो एक शॉर्टकट जैसा है, 143 करोड़ इसका बजट है, और 7 करोड़ सॉरी नॉट 77 करोड़ इस पर नहीं सॉरी 7 करोड़ इस पर खर्च हुए थे, फिर 10 करोड़ दिए गए, इस बार इसको 70 करोड़ दिए गए हैं, तो देख इस पर भी हम इस साल उम्मीद कर सकते हैं काम होने का ग्राउंड वर्क। फिर ये कुछ लाइंस हैं जिसके लिए जो पिंक बुक में इंक्लूड हैं, पर इसके लिए कोई बजट अलोकेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दिल्ली सोहना नूर फिरोजपुर अलवर रेल लाइन है, फिर यमुना नगर चंडीगढ़ बारस्ता सदौल नारायण नगर एक रेल लाइन है, फिर फैजाबाद लालगंज बारस्ता अकबरगंज महाराजगंज रायबरेली एक रेल लाइन है, फिर हिसार सिरसा बारस्ता अग्रोहा फतेहाबाद एक रेल लाइन है, फिरोजपुर पट्टी एक रेल लाइन है, इसके लिए 1 करोड़ रुपए दिया गया है, मेरठ पानीपत है, इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है अब तक, राजपुरा मोहाली एक रेल लाइन आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से राजपुरा तक, इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए दिया गया है। अगला हम देखते हैं कि एक ऊना हमीरपुर रेल लाइन है, इसके लिए भी कोई बजट नहीं मिला है। फिर ये जो ईवीआर है डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर के लिए 3,000 का एस्टिमेट था, 1,200 करोड़ दिए जा चुके थे, 3,000 करोड़ फिर दिए गए हैं इस बजट में, तो इस तरह से आप देखेंगे कि नई रेल लाइंस के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने तकरीबन 900 करोड़ अलॉट किया और 3,000 करोड़ डेडिकेट फ्राइट डोर का अलग से है, तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं डबलिंग, तो डबलिंग में जहाँ तक मुझे दिख रहा है ज़्यादा कुछ तो नहीं है, जालंधर पठानकोट जम्मू लाइन का डबलिंग चल रहा है, उसके लिए 3 करोड़ दिए गए हैं, नई दिल्ली तिलक ब्रिज पांचवी और छठवीं लाइन इसका भी ब्लॉक चल रहा है, मतलब ये लाइन मेन लाइन से जोड़ी जा रही है, इसके बाद ट्रेन्स को ज़्यादातर ट्रेन्स को तिलक ब्रिज नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वो सीधा दिल्ली न्यू दिल्ली जंक्शन तक जा सकती है, तो इसके लिए 4 करोड़ दिया गया है, टोटल आप देख सकते हैं 6 साल से इसका काम चल रहा है, और 114 करोड़ का बजट था, जो बढ़ के 140 करोड़ खर्च हो चुका था, पिछले साल 14 करोड़ इस साल 4 करोड़। इसी तरह दया बस्ती ग्रेट सेपरेटर एक रेल लाइन है, इसके लिए तकरीबन 10 करोड़ स्पेशल बजटरी प्रोविजन किया गया है। फिर उतेरिया जाफराबाद का डबलीकरण है, इसके लिए अभी कोई बजट अलोकेट नहीं है, और तुगलकाबाद पलवल चौथी लाइन है, इसके लिए 34 करोड़ दिया गया है, जाखला मनसा डबलिंग इसके लिए 25 करोड़ दिया गया है। फिर इसमें कुछ मेजर तो एक है लोहटा भदोही, इसके लिए 30 करोड़ दिया गया है, भदोही जंगई के लिए 27 करोड़ दिया गया है, कठुआ माधोपुर डबलिंग अक्रॉस रवि ब्रिज इसके लिए 20 करोड़ दिया गया है, और उटेरिया रायबरेली इसके लिए 75 करोड़ दिया गया है, आनंदपुर तिलक
ब्रिज तीसरी या चौथी लाइन के लिए 54 करोड़ दिया गया है, हरिद्वार लश्कर के लिए 24 करोड़ दिया गया है और मेरठ मुजफ्फरपुर के लिए 54 करोड़ दिया गया है। फिर रायबरेली अमेठी के लिए 75 करोड़, आलमनगर उटेरिया के लिए 70 करोड़, राजपुर भटिंडा के लिए 251 करोड़, 100 करोड़ है मुजफ्फरपुर नगर तापरी के लिए, बाराबंकी अकबरपुर के लिए 75 करोड़ है, जंघई प्रतापगढ़ अमेठी के लिए 35 करोड़ है, जौनपुर टांडा के लिए है 70 करोड़, फिर है लुधियाना मल्लापुर के लिए 25 करोड़ और वाराणसी मुगल सराय लाइन टू के स्ट्रक्चर के साथ इसके लिए तो 1 करोड़ समथिंग है। फिर जौनपुर जंक्शन से जौनपुर सिटी के लिए 20 करोड़ दिया गया है, जंघई फार्माउ इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ डबलिंग के लिए 50 करोड़ दिया गया है, अमृतसर क्षेत्र 7 किलोमीटर की लाइन है उसके लिए 10 करोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बाकी आप इसमें एक एक दिख रहे हैं, इनके लिए कुछ अलॉट नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सम टोटल की, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो इसमें जो न्यू लाइंस हैं इसके लिए आप देख सकते हैं 994 करोड़ दिया गया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फिर यात्री सुविधाओं के लिए 265 करोड़ रुपए दिया गया है, कंप्यूटराइजेशन के लिए 374 करोड़ दिया गया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, रोलिंग स्टॉक के लिए 51 करोड़, लीज असेसमेंट के लिए 1400 करोड़, रोड सेफ्टी के लिए 65 करोड़ और पुल जो रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज है उसके लिए 630 करोड़, ट्रैक रिन्यूअल के लिए 1286 करोड़। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि नॉर्थन रेलवे काफ़ी बड़ा जोन है और पूरा आपका पंजाब जम्मू तक और इस साइड यूपी का काफ़ी हिस्सा कवर करता है, और जो रेलवे के ब्रिज रिलेटेड वर्क है उसके लिए 67 करोड़ है, सिग्नलिंग के लिए 195 करोड़ है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे चूँकि काफ़ी डेवलप्ड है तो पहले से काफ़ी कुछ सिग्नलिंग में इसमें काम हो चुका है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अदर इलेक्ट्रिफाइड वर्क के लिए 68 करोड़, मशीनरी एंड प्लांट के लिए 34 करोड़, वर्कशॉप के लिए 216 करोड़, आपका जो स्टाफ वेलफेयर है उसके लिए 115 करोड़, पैसेंजर अमेनिटी के लिए 289 करोड़, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। PSUJB निवेश मतलब जो PPP मॉडल है उसके लिए इन्होंने 18,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, 18,323 करोड़ का, अदर स्पेसिफाइड वर्क के लिए 77 करोड़, न्यू लाइंस डिविडेंड फ्री प्रोजेक्ट मतलब अगर आप जो नई रेल लाइन है उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो उसके लिए 1800 करोड़ रुपए रखा है। कि रेलवे का एक सिंपल कहना है कि अगर आप स्टेट मदद करते हैं हमको लैंड एक्विजिशन में और डेवलपमेंट में, तो हम उस एरिए के काम को फास्टन कर देंगे आपके बजट के तरह। ट्रेनिंग HRD के लिए 19 करोड़ रखा है, बाकी जोन्स का 4-4 करोड़ रहता है। मैंने आपको पहले भी बोला था NR, WR और CR तीन थोड़े बड़े जोन हैं। फिर स्टोर सस्पेंशन के लिए 2640 करोड़ है और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए 367 करोड़ है, तो काफ़ी अच्छा बजट है। तो इस पिंक बुक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अप टू डेट देता रहूं रेल न्यूज़ और पिंक बुक से रिलेटेड। और अभी काफ़ी समय से मैं रेल फैनिंग के लिए नहीं गया हूं, तो मैं आपको डेडिकेटेड जो ट्रेन के वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं जल्दी इसका प्लान करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।